हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका माय चैनल सक्सेस मंच में। आज फिर से आर ओ मेंस के लिए हिंदी का पेपर जो कि 17, 18 और 20 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए मैं लेकर आई हूँ आज नया टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें आप लोगों को 6 शब्द दिए जाएंगे विथ ऑप्शन। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक चूज करना पड़ेगा उसमें से जो राइट ऑप्शन है। तो ये 6 शब्द होंगे जिसके लिए 12 अंक दिए जाएंगे, मतलब कि 6 क्वेश्चंस और 12 अंक, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो आप लोगों को ये भी पता है कि एक एक जो भी अंक है उसके बहुत ज़्यादा वैल्यू है हमारे सिलेक्शन में। एक नंबर से इंसान इन भी हो सकता है और एक ही नंबर से आउट भी हो सकता है। तो आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत ध्यान से करनी है, इसीलिए अनेक शब्दों के एक शब्द 4 से 5 सीरीज़ लेकर आऊँगी और फटाफट से ये सब्जेक्ट भी हम लोग ये टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमने आर ओ मेंस की तैयारी में पारिभाषिक शब्दावली देखी थी, उसके बाद हमने विलोम शब्द देखे थे और उसके बाद हमने देखा था कि हम लोग शीर्षक कैसे लिख सकते हैं, सार संग्रह कैसे लिख सकते हैं और सारांश प्लस भाव पल्लवन या फिर उसको हम व्याख्या कहते हैं उसको कैसे लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। उसके हमने विथ एग्ज़ाम्पल देखे थे। आप हमारे चैनल पे विज़िट कीजिए, वहाँ एक प्लेलिस्ट है आर ओ मेंस की, उसमें आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी और उसमें आपको ये भी मिल जाएगा कि आप कैसे तैयारी करें आर ओ मेंस के लिए। अभी भी बहुत टाइम है, काफ़ी 10 दिन का लगभग आपके पास समय है। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। 15, 16 के बाद हम लोग शुरू करेंगे मेंस की तैयारी, UPPSC मेंस जो कि हमने सीरीज शुरू की थी पेपर 1, 2, 3, 4 उसकी तैयारी, प्लस हम लोग UPPSC लोअर की तैयारी भी शुरू करेंगे जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, लास्ट डेट भी बता दी गई है फॉर्म भरने की। तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है अभी वो फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर इंटरनेट में प्रॉब्लम होने की वजह से फॉर्म किसी किसी बच्चे का फिल नहीं हो पाता है। तो इसके बाद हम लोग दो ही सीरीज साथ में लेकर चलेंगे, लोअर की तैयारी करेंगे और PCS मेंस की तैयारी करेंगे। तो बहुत अच्छे से एक एक दिन में 3-3 वीडियोस, 4-4 वीडियोस ला के मैं ये कंप्लीट करवाऊंगी तैयारी, क्योंकि हम लोगों को भी एग्ज़ाम देना है तो हम लोग अपनी भी तैयारी इसी के थ्रू करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और डेफिनेटली इसमें से आप लोगों के बहुत सारे शब्द आएंगे, 6 में से एटलीस्ट 4 to 5 इन्हीं में से आएंगे आपके, मैं गारंटी देती हूँ इसकी। तो आप लोग बस या तो इसको जिसको देखना है वो PDF कॉपी भी सेव कर सकता है, और ये ऑडियो लेक्चर के तौर पे आप लोग कहीं आते जाते भी ये सीरीज सुन सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें देख लीजिए ऐसे निर्देश दिए हुए हैं, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में निर्देश आएंगे कि 4 शब्द दिए हुए हैं अनेक शब्दों के और आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो हम शुरू करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। अगर आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर क्लियर नहीं दिख पा रही है तो आप उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और आप लोग यहाँ से देख के ये समझ लीजिएगा मैं बोल रही हूँ, उसके थ्रू आप ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गोद में सोने वाला उसको क्या कहेंगे, बालक कहेंगे, पुत्र कहेंगे, अंकशायी कहेंगे या अंकस्थ कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है अंकशायी, ऑप्शन नंबर सी अंकशायी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाथी आंकने का लोहे का डंडेदार हुक उसको क्या बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो भी मैं आप लोगों को करा रही हूँ पहले एग्जाम में आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो इसका ऑप्शन है तबली, ऑप्शन बी फरसा, ऑप्शन सी अकड़ा और ऑप्शन डी अंकुश। तो हाथी आंकने का लोहे का डंडेदार हुक जिसको अंकुश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडे से उत्पन्न होने वाला तो इसको पक्षी कहेंगे या अंडज कहेंगे या पिंडज कहेंगे या स्वदेज कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए वज्रबटुक, ऑप्शन बी ब्रह्मचारी, ऑप्शन सी अंतेवासी, ऑप्शन डी गुरुकुल। तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी उसे कहते हैं अंतेवासी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, अपने आप या मन में उत्पन्न होने वाली प्रेरणा उसे क्या कहा जाता है। अंतः प्रेरणा, स्वानुभूति, अंतमरणीय या अंतः ज्ञान।
तो मन में उत्पन्न होने वाली प्रेरणा ऑप्शन नंबर ए अंतः प्रेरणा कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अंतर्देशीय, ऑप्शन बी स्वदेशीय, ऑप्शन सी अंतः निर्दिष्ट, ऑप्शन डी अंतः प्रांतीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंतर्देशीय। क्वेश्चन नंबर 7, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए अंतःज्ञान, ऑप्शन बी अंतःनिर्विष्ट, ऑप्शन सी अंतःकरण या ऑप्शन डी अंतेवासी। तो करेक्ट आंसर है अंतःनिर्विष्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो, तो इसका ऑप्शन हमारे पास है धनुज, अग्रज, अंत्यज या अनुज। तो इसका करेक्ट आंसर है अंत्यज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने की प्रतियोगिता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ए ऑप्शन है काव्य पाठ, ऑप्शन बी गायन प्रतियोगिता, सी संगीत पाठ और ऑप्शन डी अंताक्षरी। तो आप लोगों ने बचपन में बहुत खेली होगी अंताक्षरी, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना हो। ऑप्शंस है अंकटक, अवरोध, सरल या स्वच्छ। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है अंकटक, अकंटक, सॉरी इसे बोलेंगे अकंटक, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक थी मेरी, अकंटक इसे बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जो कहा न जा सके। ऑप्शन ए अकथित, ऑप्शन बी अकथनीय, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी चुपचाप। तो इसका करेक्ट आंसर है अकथनीय, जो कहा न जा सके, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, जिसके पास कुछ भी ना हो। ऑप्शन ए रंक, बी भिखारी, सी दरिद्र और डी अकिंचन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी ऑप्शन अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। ऑप्शन ए अक्षम, ऑप्शन बी अक्षम्य, ऑप्शन सी मरीज और ऑप्शन डी काहिल। तो इसका करेक्ट आंसर है ए अक्षम, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके। ऑप्शन नंबर ए अगम्य, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी अभेद और ऑप्शन डी तेजस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अगम्य। क्वेश्चन नंबर 15, किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना, उसे क्या कहा जाएगा? स्वागत, आदर, सम्मान या अगवानी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है अगवानी कहा जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे न्यूज़ में आता है नरेंद्र मोदी ने फला नेता की अगवानी की, तो अगवानी मतलब स्वागत करने के लिए आगे जाना। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, जिनका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। ऑप्शंस है इंद्रियतीत, अतीन्द्रिय, गोचर या अगोचर। तो इसका करेक्ट आंसर है अगोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अगोचर। क्वेश्चन नंबर 17, जिसका जन्म पहले हुआ हो या फिर बड़ा भाई, तो इसे क्या कहेंगे? बड़ा, पूर्वज, अग्रज या अनुज। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, करेक्ट आंसर है अग्रज। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, जो करने या होने वाली बात को पहले ही सोच ले, तो उसे क्या बोलेंगे? दूरदर्शी, अंतर्यामी, समझदार या अग्रसोची। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अग्रसोची, जो पहले ही सोच ले उसे बोलेंगे अग्रसोची। 19 पर चलते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। ऑप्शंस है अजातशत्रु, निर्भय, अजेय या अजीत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 20, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। ऑप्शंस है हमारे पास आगंतुक, आहेतुक, अतिथि या आकस्मिक। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास इसका सी अतिथि, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। क्वेश्चन नंबर 21, जिसकी तुलना न की जा सके। ऑप्शंस है अतुल, अनुपम,
अद्वितीय या सर्वश्रेष्ठ, तो करेक्ट आंसर है अतुल, जिसकी तुलना ना की जा सके। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ऑप्शन है अद्वितीय, सर्वश्रेष्ठ, अतुलनीय या अनुपम, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय। क्वेश्चन नंबर 23, जिसे अधिकार दिया गया है, तो इसका ऑप्शंस है अधिकारी, अधिकृत, कर्मचारी या इंचार्ज, तो करेक्ट आंसर है अधिकृत, जिसको अधिकार दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया या निकाला गया आधिकारिक आदेश, उसे क्या कहा जाता है, सूचना, विज्ञप्ति, सख्त आदेश या अध्यादेश, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 25, जिसका कहीं कोई अंत ना होता हो, तो ऑप्शंस है अनंत, अनादि, अखंड या अनश्वर, तो इसका करेक्ट आंसर है अनंत। क्वेश्चन नंबर 26, जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो, ऑप्शंस है अनंत, घनिष्ठ, अनन्य या सामिप्य, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है अनन्य, जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो, अनन्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। जिसका वर्णन वाणी द्वारा ना हो सके, ऑप्शंस है अवर्णन, मूक संदेश, अनंत या अनिर्वचनीय, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, अनिर्वचनीय। क्वेश्चन नंबर 28, जिसे बुलाया न गया हो, ऑप्शंस है आगंतुक, अतिथि, स्वतःगामी या अनाहूत, तो करेक्ट आंसर है अनाहूत। क्वेश्चन नंबर 29, जिसका अनुभव किया गया हो, ऑप्शंस अनुभूत, अनुभूत, विचार या ज्ञान, तो इसका करेक्ट आंसर है अनुभूत। क्वेश्चन नंबर 30, जिसका मन दूसरी ओर हो, ऑप्शंस है हमारे पास चंचल, उद्विग्न, व्यग्र या अन्य मनस्क, तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी, अन्य मनस्क। क्वेश्चन नंबर 31, जिसके फलस्वरूप अपमान होता हो, दुराचरण, अपमानजनक, कदाचार या भ्रष्टाचार, तो इसका करेक्ट आंसर है अपमानजनक। क्वेश्चन नंबर 32, जिसकी आशा न की जा सकती हो, ऑप्शंस है निराशा, निरुत्साह, अप्रत्याशित या प्रत्याशित, तो उसका करेक्ट आंसर है अप्रत्याशित। 36 पर चलते हैं। जो सोच करने योग्य ना हो, ऑप्शंस है विशोक, अशोक, असोच्य या निश्चिंत, तो इसका करेक्ट आंसर है असोच्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, एक एक अक्षर तक, संपूर्ण, अपादमस्तक, नक्षिक, अक्षरश, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अक्षरस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 38, वह नायिका जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, उसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन है हमारे पास सुहागिन, वियोगिन, खंडिता या आगत पतिका, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वियोगिन, जिसका पति प्रदेश से लौटा हो। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। रुपए पैसे से संबंध रखने वाला प्रकरण, तो इसे क्या बोलेंगे, कैशियर, खजांची, आर्थिक या वाणिज्यिक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्थिक, जो कि रुपए पैसे से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 40, इतिहास को जानने वाला, ऑप्शंस है ऐतिहासिक, इतिहासज्ञ, विशेषज्ञ या पुरातत्ववेत्ता, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास इतिहासज्ञ, जो इतिहास को जानता हो। क्वेश्चन नंबर 41, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इंद्रियातीत, इंद्रियजित, इंद्रियजीत, इंद्रजीत या परमेश्वर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, इंद्रियातीत, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके। तो आज हमने यहाँ पर किए 40 क्वेश्चन अराउंड, तो
आज 40 ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने खुद भी देखा होगा ऐसे इसमें थोड़े हार्ड वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इजी वर्ड मैंने इसमें चूज नहीं किए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही 3-4 या 5 वीडियोस और आएंगे जिसमें ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आएगा। तो आप लोग इसी को करके और हमारे हमने जो जो वीडियोस बनाई हैं उसी को करके आप लोग एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियोस पूरी देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।